अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं वनीला स्पॉन्ज केक, बहुत ही आसान तरीके से, जिसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा ब्लेंडर। आज हम इसको ब्लेंडर में बनाने जा रहे हैं और बगैर ओवन के। इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा ब्लेंडर, एक ब्लेंडर। अब हम इसमें डाल देंगे आधा कप चीनी, एक कप दूध, आधा कप तेल ऑयल, अब हम डाल देंगे इसमें रूम टेम्परेचर पे 2 अंडे, अब हम इन तमाम चीज़ों को ब्लेंड कर लेंगे। ये मैदा है 1.5 कप, हमने इसको छन्नी की मदद से छान लिया है ताकि इसमें थोड़ी एयर भी आ जाए और जो गुठलियाँ होती हैं वो भी ना इसमें हो। ठीक है, ये आधा चम्मच बेकिंग सोडा है, इसको भी छान देंगे। ये आधा चम्मच बेकिंग पाउडर है, इसको भी एक छन्नी की मदद से छान लेंगे। अब हम इनको मिक्स कर लेंगे। जी तो ये हमारा तैयार हो गया है क्रीमी शक्ल में, ये देखिए। अब इस मिक्सचर को थोड़ा थोड़ा करके मैदे में डालते जाएंगे। एकदम सारा ना डालिएगा, इसको इस तरह से मिक्स करेंगे।
तो ये देख सकते हैं आप, हमने इसको थोड़ा थोड़ा डालते हुए इसको इस तरह का पेस्ट बना लिया। ठीक है, इसको सिर्फ एक तरफ ही घुमाना है, दूसरी तरफ इसको नहीं घुमाएंगे हम, और दरमियान से इस तरह कट लगाएंगे, इस तरह घुमाएंगे, इस तरह कट लगाएंगे, इस तरह घुमाएंगे और इस तरह कट लगाएंगे। ठीक है, ये एक क्रीमी सा पेस्ट बन गया। अब हम इसमें थोड़ा सा वनीला एसेंस शामिल कर देंगे खुशबू के लिए, अगर आपके पास नहीं है तो आप ना डालें इसको। ये हमने एक बाउल ले लिया इस तरह का, इसको मैंने ऑयल लगा लिया, ये देखें, देख सकते हैं आप, ये मैंने इसको ऑयल लगा लिया, ऑयल से ग्रीस कर लिया इसको। ठीक है, अच्छी तरह से हर जगह पे। ठीक है, अब हम इस पर मैदा लगा देंगे खुशका थोड़ा सा। ठीक है, अच्छी तरह से हर जगह पे लगा देंगे। ये हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि ये चिपके नहीं, नीचे हमारा जो मिक्सचर है ना वो चिपके नहीं, जब हम इसको निकाल लें तो ये आसानी से निकल जाए। ये देखें जी, अभी हमारा मिक्सचर है जो हमने बनाया था। ठीक है, हम अपने मिक्सचर को इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये सारे मिक्सचर को इसमें डाल देंगे हम अच्छी तरह से। हमने सारे मिक्सचर को इसमें डाल दिया है। ठीक है, तो इसको टैप टैप करके हमारा बेक होने के लिए अब तैयार है। ये हमने अपना पतीला पहले ही प्री हीट कर लिया है। ठीक है, अगर आपको अपना पतीला प्यारा है और नया है तो इसमें नीचे नमक जरूर बिछा लीजिएगा। ठीक है, ये अब हम इसको इसमें आराम से रख देंगे। ये अब ऊपर से इसको डाम देंगे और कोई वजनी चीज़ ऊपर रख देंगे उस तरह। मोल्ड के अंदर रखते वक्त जो है बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिएगा। ये देखिए, मैंने अपना हाथ जला लिया है। ये देखिए, आप ज़रा ध्यान से रखिएगा।